युजासीफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों, तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें या फिर? दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। जैसा बानो कह रही है वैसा ही करो। हरकत करो। वो गर्भ है दुनियाए मुर्दगान, हम अपने मुर्दों को मूमिया करके नील के मगरिब में दफन करते हैं। गर्भ दुनियाए अजीब है, हम अपने मुर्दों के हमरा लिबास, ताम, मशरूबात वगैरह कसीर मकदार में दफन करते हैं ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होते रहें। कभी कभी चंद खिदमतकारों को भी उनके साथ ही दफन कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत पर मामूर रहें। यानी जिस्म बोसीदा हो जाने के बाद भी पीने और खाने का मोहताज है। जानती थी तुम ये सवाल जरूर करोगे। हर इंसानी जिस्म दूसरी दुनिया में जाकर बोसीदा हो जाता है, मोमिया हुआ जिस्म महफूज रहता है, लिहाजा रूह जिसमें दोबारा लौट सकती है। वापस लौटने की सूरत में जिस्म को हयात नौ मिल जाती है और जो चीज़ें वो अपने साथ ले जाता है उससे इस्तफादा करता है।
तो क्या कब्र से मुर्दे को जो जिंदा हो चुका होता है उसे दोबारा बाहर नहीं निकाला जा सकता? बाहर की जिंदगी तो कब्र की जिंदगी से कहीं बेहतर है। मालूम नहीं, मुमकिन ऐसा हो। अगर हमारा यहाँ कयाम ज्यादा देर का है तो हुक्म दीजिए कि तख्ते रवा को नीचे रख दें, ये लोग थक गए होंगे। नहीं हरकत करेंगे, तुम परेशान मत हो, इन्हें इसकी आदत है। माबद,